गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 10th क्लास में आपका स्वागत है। हम आजाद सर, मैं टीचर। हम लोग 10th क्लास में पॉलीनोमियल बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में आप लोगों को परिभाषा वगैरह बहुत सी इसका प्रकार भी लिखवाए थे, ठीक है। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिपुटघात बहुपद, ये सब लिखवा दिए थे। और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए भी आप लोग बता दिए थे। शायद 2.2 में चैप्टर आप लोगों का 2.2 में हम पहला दूसरा क्वेश्चन बनाए थे और आप लोगों से बोले थे कि इसको देखिएगा, तब तक बंद हो गया। तो आप लोग पहला और दूसरा देखते रहे स्टूडेंट। अगर आपको पहला दूसरा में कोई क्वेश्चन ना बना हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम उसे अगले वीडियो में जो जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बना होगा उसे हम बना लेंगे, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन 3 पे आते हैं। 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है 5x² - 4 - 8x के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। लेकिन देखिए, बहुपद को आप लोग बताए थे मानक रूप को बहुपद को पहले लाएंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये मानक रूप में नहीं है, पहले इसे मानक रूप में कर लेते हैं, ठीक है। 5x² - 8x और माइनस कितना हो गया 4x। अब जरा देखिए, यहाँ पर a का है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बहुपद का फॉर्म है ax² bx + c। ये बोलते हैं x² के गुणांक, b बोला जाता है x का गुणांक, c बोला जाता है अचर पद, ठीक है। शून्यांकों का योग α + β - b/a पर गुणा होता है स्टूडेंट। शून्यांकों का गुणनफल α × β c/a होता है। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लेकिन इसका यूज है a + b² a² + b² + 2ab। अगर a² + b² निकालना हो तो 2ab जाके इधर माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, तो a + b² - 2ab। सेम वही प्रोसेस a - b² a² + b² - 2ab। फिर अगर a² + b² निकालना हो तो a - b² - 2ab जाके तो क्या होता है +2ab। अब एक और फॉर्मूला इसमें आपको यूज होगा, द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र। द्विघात बहुपद कैसे लिखा जाएगा, इसका यूज होगा। तो x² - α / β (x + α β) अगर α + β निकाल लीजिए, α × β निकाल लीजिए और इस फॉर्मूले को रख दीजिए, आपका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आपको तीसरा जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये पहला और दूसरा पर ही आधारित है। एक आप लोग रिपीट करते हैं, ठीक है। ये हो गया 5, बी हो गया -1 और सी हो गया स्टूडेंट -4। ये हो गया आपका। अब चला हमें करना क्या है स्टूडेंट, शून्यांक पहले निकालना होता है। शून्यांक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, याद पाइए। देखिए 5x² - 8x - 4 = 0। फिर पहला और तीसरा में गुना, पंचों का 20, माइनस में 20 आ गया। बीच वाले को खंड करेंगे, आप लोग 7वें क्लास में खंड पढ़ते आ रहे हैं। ये हो गया 5x², इसका खंड करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 10x आप प्लस में 2x - 4 = 0। देख लीजिए, पहला और तीसरा में पंचों का 20, इसका खंड किए -10 और +2, 10 × 2 = 20 आ जाएगा। अब 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब इसमें का कॉमन है देख लीजिए स्टूडेंट, 5x कॉमन है, यहाँ x, यहाँ बचा आपका 2, यहाँ देखिए का कॉमन है दोनों में 2 कॉमन है, तो x - 2 = कितना हो गया 0। x - 2 हो गया, ये 5x + 2 = कितना हो गया 0। यदि लेके चलेंगे स्टूडेंट x - 2 = 0 तो x के मान आपका 2 मिला। फिर यदि लेके चलेंगे 5x + 2 = 0 तो 5x - 2 और x - 2/5, क्योंकि ये प्लस जाके इधर का होता है माइनस, ये गुना हो जाकर क्या होता है बटा में। तो आपका जो x का जो मान मिला स्टूडेंट, अब यहाँ लिखिएगा जांच में आपको करना है, जो x का दो मान मिला, द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक, चतुर्थघात बहुपद का 4 शून्यांक, और रैखिक बहुपद हो, एकघातीय बहुपद हो, एकघातीय बहुपद को रैखिक बहुपद बोला जाता है, उसका शून्यांक 1 होता है।
अब इसमें से किसी को अल्फा है किसी को बीटा मान लीजिए, माना अल्फा हो गया आपका दो, बीटा मान लीजिए माइनस टू बाई कितना हो गया फाइव हो गया। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, अल्फा जोड़ बीटा लेकर चलना है, आपको लाना क्या है, देखिए यहां से अल्फा जोड़ बीटा बराबर आपको लाना है माइनस बी बाई ए लाना है, अल्फा के मान टू रखिए प्लस बीटा का मान माइनस टू बाई फाइव, ये टू प्लस माइनस माइनस टू बाई फाइव दोनों का लॉस कितना हुआ फाइव हुआ स्टूडेंट, वो ना ये पांच दो का दस माइनस टू ये होगा एट बाई फाइव हो गया स्टूडेंट। अब जरा देखिए एट बराबर क्या है, याद रखिए फिर बी बराबर माइनस ए तो एट बराबर माइनस बी, तो एट जगह पर माइनस बी, ए के जगह पर देखिए क्या है फाइव है, तो फाइव की जगह का लीजिए ए, देखिए यही कहता है शून्यांकों के जोग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ये आ गया। अब ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान हो गया टू और बीटा का माइनस टू बाई कितना हुआ फाइव, इसको गुना कीजिए ये पानी दूधुनी का कितना हो जाएगा चार, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट पाँच हो गया, ये आ जाएगा आपका चार बटे कितना पाँच। अब जरा देखिए चार क्या है, यहाँ देखिए सी के मान माइनस चार है तो माइनस चार की जगह पर सी और ए की जगह पर पाँच है तो पाँच की जगह पर ए। इस तरह हम स्टूडेंट शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको दिया है दूसरा और तीसरा दोनों बनाइएगा, नहीं बनेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, फोर में आपको दिया है यदि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यांक है, बहुपद आपका दिया है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स आपको दिया है, तो स्टूडेंट यहां से ए हो गया टू, बी हो गया थ्री, सी हो गया माइनस सिक्स हो गया, आपको निकालना क्या स्टूडेंट बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा में दिया आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, और तीसरा में स्टूडेंट का दिया है जरा देख लीजिए तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा एस स्क्वायर, दिखाई दे रहा है आपको देख लीजिए थोड़ा सा ठीक है। ये आपको स्टूडेंट आपको क्या करना है निकालना है, जो बहुत सारा क्वेश्चन है चौथा आपका क्वेश्चन दिया वन बाई अल्फा वन बाई बीटा, पांचवा आपका क्वेश्चन आपको दिया है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, और आपको छठा क्वेश्चन दिया है इसी में स्टूडेंट देख लीजिए अल्फा माइनस बीटा, सातवां क्वेश्चन दिया है इसी में देखिए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और आठवां देख लीजिए क्या दिया है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। ये आपको इतनी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए क्वेश्चन से आपको इसका मान निकालना है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और मान निकलने की बात करें तो सबसे पहले ए बी सी ज्ञात कर लीजिए, ए बी सी ज्ञात करने के बाद में ए बी सी आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर स्पष्ट देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिए हैं ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है एक्स का गुणांक, सी क्या है अचर पद है स्टूडेंट, तो आप इसे निकालना जान गए, ए टू हुआ बी थ्री हुआ सी माइनस सिक्स हो गया। हमें जब भी इस तरह का मान निकालने की बात आती है स्टूडेंट तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। पहला क्वेश्चन में हमको मान लो निकालना है अल्फा स्क्वायर, हमें मान निकालना है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना है स्टूडेंट ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फा जोड़ बीटा निकालेंगे ठीक है, आप स्टूडेंट यही पर निकाल लीजिए, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है अल्फा जोड़ बीटा यही निकाल लीजिए माइनस बी बाई ए, बी के मान माइनस थ्री या ए के मान देखिए कितना है तो अल्फा इंटू बीटा यही पर निकाल लीजिए सी बाई ए, सी है माइनस सिक्स ए है टू, यहाँ से कटा दीजिए तो माइनस थ्री हो गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यही पर निकाल कर छोड़ दीजिए। अब आपको पहला क्वेश्चन कर रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए, देखिए स्टूडेंट इसी के लिए फॉर्मूला लगाया गया है, देखिए यहाँ पर जरा देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसी के लिए फॉर्मूला लगाया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माने टू ए बी, दो फॉर्मूला है चूंकि यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला प्लस में होता है
हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसके जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पर सर क्या है, माइनस थ्री बाई टू। यहाँ रखिए माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर टू अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए माइनस थ्री है, यहाँ लगा देंगे माइनस थ्री। ये देखिए माइनस स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस, थ्री थ्री का नौ, दो दूनी का चार, ये माइनस माइनस प्लस, तीन दूनी का छः। बाटा पर के जोड़ करेंगे लसा कितना हुआ चार, ये हो जाएगा नौ, ये छः छः होगा चौबीस, और नौ चौबीस नौ जोड़ देंगे ये हो जाएगा तैतीस बटे में चार। ये स्टूडेंट आपका क्या होगा, आंसर हो गया। अब इसमें से कोई एक क्वेश्चन और बोलिए, कोई एक मान लो क्वेश्चन चौथा स्टूडेंट आपका, चौथा क्वेश्चन में वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा है। अब ये सब कैसे मान रखे, कुछ नहीं, बाटा पर जोड़ कीजिए, दोनों का लसा अल्फा इंटू बीटा हो गया। ये अल्फा कट गया तो यहाँ बीटा, बीटा कट गया तो क्या हो गया अल्फा। इसको सीरियल कर लीजिए, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब जरा ध्यान से देखिए क्या ये दोनों का मान है, हाँ है, अल्फा प्लस बीटा का मान रखना आपका माइनस थ्री बाई टू, और अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है माइनस थ्री। बाटा मन मान के पलट देंगे तो देखिए माइनस थ्री बाई टू, पलटेंगे तो वन ऊपर माइनस थ्री नीचे, यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया एक बाटे। तो इस तरह स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मान हम ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा इसे वीडियो को रोक कर क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, आपको फेयर करने में आसानी होगी। थोड़ा सा स्क्रीन शॉट इस लीजिए तब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए स्टूडेंट और क्वेश्चन इसमें से कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टूडेंट, ले लेते हैं तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में स्टूडेंट हम ले लेते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस ले लेते हैं अल्फा बीटा स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ बचा अल्फा, यहाँ बचा बीटा। अब आपको करना क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान रख देना है, अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है। अल्फा इंटू बीटा आपका माइनस तीन था, अल्फा प्लस बीटा माइनस तीन बाई टू था। देख लीजिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस थ्री का नौ, बटे में कितना हो गया दो। ठीक है, आप जो भी मान हो अल्फा इंटू बीटा का मान रख लीजिए जो निकाले थे, और अल्फा प्लस बीटा का मान रख लीजिए। तो इस तरह आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे मान लो स्टूडेंट आपका सातवां क्वेश्चन है अल्फा क्यू बीटा क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू, तो माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी होता है स्टूडेंट। अब अल्फा है तो यहाँ पर आप लगा दीजिए अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ लगा दीजिए अल्फा बीटा, यहाँ लगा दीजिए अल्फा, आप प्लस में क्या लगा दीजिएगा, बीटा लगा दीजिएगा। अब आपका मान स्टूडेंट, अब आपका मान रखना है, अब आप अपना मान रख सकते हैं जो मान आपको दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप जो मान दिया हुआ है उसी के अनुसार आप मान को रखिए। ठीक है, हाँ तो देखिए थे, अब ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस थ्री बाई टू आपके पास था, क्यू हो गया थ्री, अल्फा इन बीटा का मान माइनस थ्री था स्टूडेंट, या अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस थ्री बाई टू थ्री रख लीजिए। ये माइनस तीन के पावर तीन, ये हो जाएगा माइनस सत्ताईस, ये हो जाएगा यार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री, यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, तीन के नौ नौ तिया हो जाएगा सत्ताईस, यहाँ माइनस होगा बाकी में दो होगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट आठ, ये हो जाएगा माइनस सत्ताईस, ये चार बार में सत्ताईस में चार से गुना कर दो, सत्तौ का अट्ठाईस से आठ है, देखिए और चार दूनी का आठ दो दस एक सौ आठ, अब जोड़ दीजिए आठ माइनस एक सौ पैंतीस बाटे में कितना हो गया स्टूडेंट, ये हुआ आपका आंसर। तो स्टूडेंट हमारे समझ से अब इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन को बनाइएगा प्लीज, आपको जो भी क्वेश्चन इसमें नहीं बन रहा, आपका आंसर टैली नहीं कर रहा है, तो अब आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा सर ये नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। तो हम आप लोगों के जो शेष क्वेश्चन बचा है, शेष क्वेश्चन आपको छोड़े हैं दूसरा, इसके बाद में आपको छोड़े हैं कौन, पांचवा छोड़े हैं
फिर इसके बाद में आपको छठा छोड़े हैं, फिर आपके बाद में आपको आठवां छोड़े हैं। तो आपका काम है इसे बनाकर, प्लीज इसे कमेंट आंसर में, आप कमेंट में सिर्फ आंसर को लिखिएगा कि क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन 5 से। अगर आप लोगों का 4 तक में कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्वेश्चन 5 से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।